क्या सलमान खान को बूढ़ा मानने लगी हैं उनकी हीरोइन? क्या सलमान खान की यंग एक्ट्रेस को लेकर ताना मार रही हैं उनकी 90s की एक्ट्रेस? इस वीडियो में आपको बताएंगे ऐसी ही डिटेल। सलमान खान की उम्र भले ही ज्यादा हो, मगर आज भी उनसे शादी करने वालों की लाइन लगी है। हालांकि एक हीरोइन ऐसी है जो सलमान से शादी के नाम पर तमतमा जाती है। ये एक्ट्रेस है जरीन खान, जिन्होंने सलमान के साथ वीर मूवी में काम किया है। जरीन खान से जब दिली ख्वाहिश के तौर पर सलमान से शादी करने को पूछा गया तो वो फौरन भड़क गईं। उन्होंने सवाल के जवाब में कहा, आप लोगों के पास कुछ और काम नहीं है क्या? आप लोग ज्ञान क्यों देने लग जाते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं, किससे शादी करनी चाहिए, किससे नहीं? मैं क्या यहाँ पर आप लोगों को कोई ज्ञान दे रही हूँ? मैं बस बातें कर रही हूँ। जब तक मैं कोई सलाह आपको नहीं दे रही हूँ तो आप क्यों दे रहे हैं? अब तक सिंगल जरीन खान ने शादी से जुड़े सवाल को बकवास बताया। हालांकि सलमान से दोबारा दोस्ती करने का मन नहीं बनाया। ये वही जरीन खान है जिन्होंने सलमान खान के साथ मूवी करने के बाद उन पर कई आरोप लगाए। जरीन ने यहां तक कहा कि सलमान खान उनसे सीधे मुंह बात नहीं करते। हालांकि सलमान के नाम पर अब वो चिढ़ जाती हैं। सलमान खान के साथ तेरे नाम फिल्म करने वाली भूमिका चावला भी ऐसी एक्ट्रेस है जो सलमान का नाम तो नहीं लेती मगर एजेड एक्टर की आड़ में बहुत कुछ कह देती हैं। भूमिका ने ऐसे ही एक इंटरव्यू में कहा, ऐसा होना चाहिए कि अगर हीरो 50 साल का है तो हीरोइन 35 से 40 से कम की ना हो। मुझे नहीं लगता कि ऐसा करने से इंडस्ट्री को कोई नुकसान होगा, लेकिन ये बदलाव तब आएगा जब फिल्म बनाने वाले इस तरह से सोचेंगे। भूमिका से ये सवाल उनके अगले प्रोजेक्ट को लेकर पूछा गया, मगर इस दौरान उन्होंने सलमान और शाहरुख को टारगेट करना शुरू कर दिया। सलमान के साथ अंदाज अपना अपना मूवी करने वाली रवीना टंडन भी उनकी उम्र का मजाक उड़ाती हैं। रवीना टंडन से पूछा गया कि अगर फ्यूचर में अंदाज अपना अपना का सीक्वल बना तो क्या वो इसका हिस्सा होंगी? इस पर रवीना टंडन ने कहा, मुझे पता है कि मेरी तस्वीर वहां लटकी होगी। आमिर और सलमान मुझे और करिश्मा कपूर को माला पहनाएंगे और कहेंगे हमारी बीवियां मर गईं, अब क्या करें, और फिर वे 21 साल की लड़कियों के पीछे भागेंगे। तो इस तरह से सीक्वल शुरू होने वाला है। दोस्तों, सलमान खान का मजाक उन्हीं की पुरानी हीरोइनों के जरिए उड़ाया जाना क्या आपके हिसाब से ठीक है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें।